पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हें ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया। पड़ोसी के यहाँ पर फोर व्हीलर गाड़ी आ गई, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के घर में फोर व्हीलर गाड़ी आ गई। अपनी समाज का कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़कर बैठा है। अपने समाज का व्यक्ति, अपने धर्म का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम अपनी समाज के, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के व्यक्ति का पांव खींचते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के व्यक्ति का पांव खींचता हो, केवल एक अपना व्यक्ति एक ऐसा है जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पांव खींचने का प्रयास करें। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि हम आगे बढ़ाएं? हम क्यों नहीं प्रयास करें कि कोई आगे बढ़े, भगवत भजन करे, स्मरण करे और आगे बढ़कर कार्य करे? प्रयास करो। हम जिस कुल में जन्मे हैं, हम जिस समाज में जन्मे हैं, हम जिस अपनी समाज के अंतर्गत, अपने कुल के अंतर्गत कोई बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसको आगे तक लेकर जाएंगे। हमें पांव नहीं खींचना। हमारी बहू को नहीं आता ना कुछ, हम सिखाने का प्रयास करेंगे, सीख जाएगी तो उसके लिए काम आएगा, ना सीखेगी तो उसकी मर्जी। पर हम उल्टे हैं। हम सिखाने की जगह नगर में डोंडी पीटते हैं। मेरी बहू को कुछ नहीं आता, मेरी बड़ी बहू में अकल नहीं है, मेरी छोटी बहू में अकल नहीं है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। किसी के कर्म को कान में जाकर बताया जाए वो परिवार के लोग होते हैं, किसी के कर्म को डोंडी पीट कर मोहल्ले में बताया जाए वो कभी परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता। बहू ने अगर बेकार कर्म कर दिया, कुछ काम बिगाड़ दिया तो तुम पड़ोसन को बता रहे हो तो पड़ोसन क्या कर लेगी? देवरानी जिठानी को बता रहे हो तो देवरानी जिठानी क्या कर लेगी? रिश्तेदारों को बताया, ननंद को बताया, इसको बताया, बुआ को बताया, कहीं बेटी को बताया तो बेटियां क्या कर लेंगी? बहू अगर गलत कार्य करी है तो बहू के कानों में जाकर बोलो, बेटा तूने ये गलत कर दिया, बेटा तू अपने आप को सुधरने का प्रयास करना। पर हमारी आदत ऐसी है, बहू अगर गलत करती है तो हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, सबको डोंडी पीट पीट के बताते हैं, फोन लगा लगा के बताते हैं, रिश्तेदारों को कह कह कर बताते हैं कि ऐसा हो गया। जिसकी गलती है उसके कान में जाकर कहो ना। लाइट चली गई तुम्हारे घर की, लाइट चली गई तुम्हारे गांव की, किसको कहोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। विधायक जी को फोन लगाओगे कि महाराज हमारे यहाँ की लाइट चली गई? नगरपालिका अध्यक्ष को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? महापौर को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? सरपंच को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? पंचायत अध्यक्ष को फोन लगाओगे? किसी पार्टी के अधिकारी को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? अगर लाइट गई है तो तुम्हारे पास में बिल है, उस बिल में से लाइट मैन का नंबर निकालो और नंबर निकाल के उस लाइट मैन को फोन लगाओ कि जहां से लाइट चलती है कि हमारी लाइट चली गई है, उसको कहो। लाइट वो सुधारेगा, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। पानी नहीं आ रहा है तब नगर निगम को फोन लगाओ, कोई काम है तो उसको फोन लगाओ। परंतु अपन सबने एक सोच बनाकर रखी, एक सोच, एक विचार। विदेश में अगर लाइट जाती है तो लाइट मैन को फोन लगाया जाता है, विदेश में लाइट जाती है तो लाइट मैन को जाकर फोन लगाया जाता है, विद्युत विभाग को फोन लगाया जाता है
एक हम हैं, अपने यहां की लाइट जाती है तो हम पड़ोसी के घर में जाकर देखते तेरी है कि नहीं है। और उसके यहां अगर लाइट है तो आधा डिप्रेशन में तो अपन बेसी हो जाते, उसके घर की है और अपनी नहीं है। किसी ने पूछा मम्मी क्या हो गया, वो कमला की बाइक यहां लाइट है और अपने यहां नहीं। आधे चिंता में पड़ गए कि उसके घर फ्रिज चल रहा, उसके घर टीवी चल रही, उसके घर का सामान अच्छा चल रहा और अपने घर दो घंटे से लाइट नहीं, दो घंटे से लाइट नहीं। बार बार कह रहे उसके घर तो है, उसके घर तो है, उसके घर तो है। अरे खुशी होना चाहिए, कम से कम पड़ोसी के घर तो लाइट है, कम से कम अपन यहां नहीं तो वहां जाकर बैठ जाए। हमारी सोच बेकार हो गई, वो सुखी क्यों है, उसके घर में प्रकाश क्यों है, उसके घर में उजाला क्यों है, हम दुखी हो गए। और मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर, मेरे ओघड़ बाबा कहते हैं, मेरे शंभु कहते हैं कि जहां जैसा मौका मिले वहां वैसे रहिए। भगवान नारायण को लक्ष्मी देकर, भगवान विष्णु को बैकुंठ देकर, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक देकर, इंद्र को इंद्रलोक देकर, रावण को सोने की लंका देकर, भस्मासुर को कंकण देकर, दुनिया के लोगों को सब कुछ देकर, कैलाश पर भी मेरा महादेव लेता है तो अलमस्त होकर रहता है कभी।